अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मुआन, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है यूट्यूब की तरफ से। तो यार मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था 2020 के यूट्यूब रिवाइंड की, तो यूट्यूब ने ऑफिशियली तौर पर ये बात अनाउंस कर दी हुई है कि इस साल आप लोगों को यूट्यूब रिवाइंड की जो वीडियो वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को यूट्यूब रिवाइंड के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि हर साल जितनी भी पॉपुलर वीडियोज़ होती हैं, जितने भी पॉपुलर क्रिएटर होते हैं यूट्यूब, उनको लेके एक वीडियो बनाता है जिसके अंदर टॉप जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती है पूरी दुनिया के अंदर उनको कवर किया जाता है। तो अगर बात करते हैं इस साल की, तो ये नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि हमें इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि अगर हम लोग पीछे वाले 3-4 साल की जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर देख लेते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब ने डिसअपॉइंट किया था। अब हमें लगता है कि हमें इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है आईफोन 12 प्रो मैक्स के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि इस साल एप्पल ने हमें बैटरीज को लेकर आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एप्पल की इस दफ़ा जो बैटरीज हमें मिली है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज़, उनकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कम मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर उम्मीद की जा रही थी कि एप्पल जो बैटरी लगाएगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगाएगा। लेकिन हमारे पास एक्चुअल नंबर आ चुके हैं कि कितने mAh की बैटरी को एप्पल ने लगाया। तो यहाँ पर जो बैटरी वो है 3687 mAh की बैटरी। अगर हम लोग इसको आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो भाई उसके कंपेरेटिवली एक छोटी बैटरी है। अब मेरे माइंड के अंदर पहले मैं इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा था कि एप्पल अपनी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर लेगा, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी कंपैरिजन देख लिया हुआ आईफोन 12 और 12 प्रो का। आईफोन 11 और 11 प्रो के साथ उनकी जो परफॉर्मेंस थी तो वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। लेकिन मुझे लगता है कि आईफोन जो 12 प्रो मैक्स होगा उसके अंदर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बैटरी की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि A14 जो बायोनिक चिप है एज़ कम्पेयर टू A13 बायोनिक चिप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, तो हमारा जो पूरा का पूरा दारमदार है वो इस चिप के ऊपर ही है। लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग देखते हैं तो भाई एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। एप्पल ने हमें किसी किस्म का कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं दिया, चार्जर को भी निकाल लिया। मुझे लगता है कि अगले साल एप्पल बैटरी को भी ना निकाल ले और हमें कहे कि आप लोग डायरेक्टली प्लग इन करके, प्लग तो हम कर नहीं सकते, मैगसेफ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके ही फ़ोन को यूज़ करो, अदरवाइज आपको बैटरी मिलेगी नहीं। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चल रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग S21 सीरीज़ को बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो सैमसंग जो S21 है उसके अलावा S21 प्लस के जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं वो सामने हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इनके अंदर एक ही चीज़ नोटिसेबल वो ये है कि इनके अंदर हमें जो बेजल मिल रहे हैं और जो चिन टाइप चीज़ें ऊपर नीचे मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। आप लोग कह लो कि एंडलेस ही हैं, तकरीबन ख़त्म ही कर दिए सैमसंग ने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्व डिस्प्ले की, तो यहाँ पर S21 है और S21 प्लस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोटेक्टर्स को देख लेते हैं तो कर्व डिस्प्ले की हमें किसी किस्म की कोई भी इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। मे बी जो S21 अल्ट्रा को उसके अंदर सैमसंग हमें थोड़ा बहुत जो कर्व डिस्प्ले उसको दे दे, लेकिन यार पर्सनली तो मुझे लगता है कि सैमसंग को अभी इन्होंने जो तमाशा लगाया है वह कर्व डिस्प्ले को देने का और ना देने का, इसको ख़त्म कर देना चाहिए और हमें फ्लैट डिस्प्ले ही देने चाहिए। आप लोगों के इस चीज़ के बारे में क्या ख्याल है कि आप लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद आते हैं या फिर नहीं आते? मुझे पर्सनली तौर पर जो फ्लैट डिस्प्ले होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि पाकिस्तान के अंदर से ही आ रही है। अब भी पिछले तकरीबन एक वीक से सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोर की पिक्चर सर्कुलेट कर रही है, जिसके बारे में रिपोर्ट ये चीज़ की जा रही है कि ये गूगल का ऑफिशियल स्टोर है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यार इस स्टोर के बारे में अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि क्या ये गूगल का ऑफिशियल स्टोर है या फिर ये गूगल के ऑफिशियल रिटेलर्स हैं, ये चीज़ कन्फर्म करना बाकी है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टोर को विज़िट कर लूँ, क्योंकि ये स्टोर लाहौर के अंदर ही है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अगर तो ये गूगल का ऑफिशियल स्टोर है या फिर ये लोग ऑफिशियल रिटेलर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें यही जाननी पड़ेगी कि क्या ये गूगल के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें जो गूगल की ऑफिशियल वारंटी है उसको प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि जो यार गूगल की प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इतनी खास महंगी नहीं है। लोगों को ये लगता है कि गूगल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह हमें एप्पल के आईफोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं उस तरह की हैं, लेकिन हमें जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब गूगल जो है वो फ्लैगशिप मार्केट से निकल कर तकरीबन अपर मिड रेंज टाइप की जो मार्केट है उसके अंदर आ चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी कि गूगल के जो कैमराज होते हैं स्मार्टफोन्स के, भाई वो काफ़ी ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन होते हैं और उनकी जो प्राइजेज होती हैं वो फ्लैगशिप लेवल वाली नहीं होती। तो मैं स्टोर के बारे में यह थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, जैसे ही मुझे कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, ये जैज़ केस के बारे में आ रही है। आप लोगों को पता है कि जैज़ का जो मेन ऑफिस था इस्लामाबाद के अंदर, उसको FBI ने सील कर दिया था टैक्स ना पे करने की वजह से, और जो टैक्स की अमाउंट थी वो 25 अरब रुपये थी। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेशन चल रही थी कि जैज़ बंद होने वाली, पाकिस्तान के अंदर जो जैज़ कैश के अंदर पैसे लोगों को पड़े हुए हैं उन लोगों को निकाल लेने चाहिए।
तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर आप लोगों को जैज के इस केस के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस केस की रिसेंट डेवलपमेंट की, वो क्या है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जैज को ये कहा कि आप लोग एक दफ़ा के लिए 5 अरब रुपये का जो टैक्स है उसको पे करो आपके जब केस का फैसला हो जाएगा। क्योंकि जैज का और FBR का आपस में केस चल रहा है, उसकी अभी हेयरिंग्स वगैरह चल रही हैं। अगर इन केस जैज फैसला विन कर लेता है तो जो 5 अरब रुपये का टैक्स है वो जैज को वापस कर दिया जाएगा। अभी तक की रिसेंट यही डेवलपमेंट है, जैसे कि नई अपडेट वगैरह आती है आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर और इंस्टाग्राम की तरफ से। तो इन दोनों के अंदर आप लोगों को अब मैसेज के वैनिश होने का ऑप्शन मिल जाएगा। इट मीन्स कि आपके जो मैसेज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। अब इसका सीन इसी किस्म का जिस तरह आप लोग समझ लो कि हमारे जो सेल्फ डिसअपियरिंग मैसेजेस होते हैं, आप लोग किसी के साथ चैट करो, जब आपकी चैट खत्म होगी तो जो आपकी कन्वर्सेशन होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब इसके अंदर सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप लोग वैनिश मोड के अंदर किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो और आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो अगले बंदे को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने स्क्रीनशॉट लिया है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये अपडेट नहीं आई। मैंने एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर चेक कर लिया, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, हमारे रीजन के अंदर भी ये जो अपडेट है बहुत जल्द आ जाएगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर की तरफ से। ओनर का एक नया स्मार्टफोन जो कि डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं सर्टिफिकेशन की उनके ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो हुआवे नोवा 8SE है उसका एक कोई रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की तो कहा जा रहा है कि 6.53 इंच का हमें इसके अंदर OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट टाइप किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट होगा। जहाँ तक बात है इसके अंदर प्रोसेसर की तो कहा जा रहा है कि डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर होगा। बैक साइड के ऊपर 64MP का मेन सेंसर होगा। फ्रंट के ऊपर हमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसके बारे में ये चीज़ भी कही जा रही है कि इसके अंदर मे बी हमें अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका ऑप्शन मिल जाए, 3800mAh की बैटरी के साथ 66W के हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो फ़ोन है ये Huawei Nova 8SE का ही कोई रीब्रांडेड वर्जन है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी हद तक उसके साथ मिल रही है। अब इस स्मार्टफोन के रिलेटेड मेरे माइंड के अंदर तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये वाला जो स्मार्टफोन है ओनर का ये Huawei की ब्रांडिंग के नीचे ही आएगा, या फिर इसके आने से पहले ओनर अपने आप को किसी और के पास सर्व कर देगी, यानी कि ओनर सेल हो जाएगी, Huawei इसको सेल कर देगा। मुझे लगता है कि इस स्मार्टफोन के लॉन्च होने से पहले पहले ओनर को सेपरेट हो जाना चाहिए ताकि हमें इसके अंदर गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं वो देखने को मिल जाएं। और ये वाला जो स्मार्टफोन है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रोसेसर डिस्प्ले टाइप जो कैमरा चीज़ें हैं सारी की सारी अच्छी हैं। अगर ओनर सेपरेट एक ब्रांड के तौर पर इस स्मार्टफोन के साथ कम बैक करता है तो मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ जाएगा। लेकिन ये वाली जो सारी चीज़ें ये तो फ्यूचर के अंदर ही हमें क्लियर होंगी। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रेडमी के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रेडमी नोट 10 सीरीज़ का एक फ़ोन होने वाला है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें जो बैटरी मिलेगी वो बेसिकली होगी 6000mAh की बैटरी, साथ में हमें 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अंदर भी प्रोसेसर कहा जा रहा है कि मे बी हमें स्नैपड्रैगन 750G मिल जाए। अभी यार इस स्मार्टफोन के रिलेटेड मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ ये भी चल रही है कि मे बी ये रेडमी नोट 10 सीरीज़ का स्मार्टफोन ना हो, मे बी ये उन स्मार्टफोन्स में से एक हो जो कि रेडमी इस साल लॉन्च करने वाला 2021 का स्टार्ट होने से पहले, यानी कि रेडमी के जो 3 अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं उनमें से एक हो, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक मिल रही हैं उन स्मार्टफोन्स के साथ। उनकी हम लोगों ने जो लीक्स और रूमर्स को डिस्कस किया, लेकिन इसके अंदर हमें जो 6000mAh की बैटरी मिल रही है ये वाली चीज़ उनके साथ नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हम लोग अपने माइंड के अंदर ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी इसके बारे में ये वाला जो फीचर है जो कि हम लोगों ने पहले नहीं सुना ये रेडमी नोट 10 सीरीज़ का ही हो। अब ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स हमें फ्यूचर के अंदर ही क्लियर होंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी, कोई अपडेट रह तो नहीं गई, क्योंकि मुझे एंड के ऊपर लगता है कि ख़त्म हो गई हैं, बाद में कोई ना कोई अपडेट रह रही होती है। तो बस हमारी फाइनली अपडेट खत्म हो चुकी है, इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।